हेलो हैटी फैमिली, वेलकम बैक टू हैटी लाइफ ब्लॉग्स। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल सके आपको किस तरह के वीडियोस देखना पसंद आता है। नॉर्मली मैं क्योंकि एक हाउसवाइफ हूँ तो होम डेकोर एंड होम लाइफस्टाइल के ऊपर ही वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो फिर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ये सैटरडे का दिन है तो चाहे सैटरडे संडे हो या मंडे, हम जल्दी सुबह उठ के सबसे पहले पानी ही पीते हैं। और क्योंकि आजकल मौसम बहुत ठंडा हो रहा है तो हम सब दिन की शुरुआत एक गिलास गुनगुने पानी से ही करते हैं। बेटा सुबह उठ के पानी वानी पी के सीधा नहाने चला जाता है। सुबह उठ के हम जल्दी नहा लेते हैं तीनों के तीनों, और ये हो रही है चाय की तैयारी। आज ब्रेकफास्ट में पास्ता बनाऊंगी और पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं नॉर्मली जब भी पास्ता बनाती हूँ खूब सारा पानी लेकर बॉईल करती हूँ और खाली नमक डालकर ही पास्ता में उबाल लेती हूँ। आप चाहें तो ऑयल इसमें डाल सकते हैं पानी में, पर मैं नहीं डालती और क्योंकि बहुत सारा पानी लेकर उबालती हूँ तो ये चिपकते भी नहीं हैं। और इधर चाय भी तैयार हो चुकी है तो चाय पी लेंगे और उसके बाद ही पास्ते की तैयारी। मैंने लहसुन लेकर तो रखा है पर उसे छीलूंगी अभी तो चाय में लहसुन का स्मेल आ जाएगा, इसलिए बाद में ही करूँगी। पर साथ ही साथ मैं बाकी चीज़ें जो कट करनी हो उनको निकाल के रख देती हूँ। और पास्ता धुल के तैयार है, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा पास्ता। उसके बाद 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल में 7 से 8 गार्लिक चॉप करके और एक मीडियम साइज का ओनियन चॉप करके मैंने लिया है, दोनों को ट्रांसलूसेंट होने तक पका लूँगी। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, प्याज को नरम ही करना है बस। और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला और 1/4 टीस्पून हल्दी डाला है, थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम 2 टीस्पून या फिर 1 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट डालेंगे। आप अगर चाहें तो टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं, 2 मीडियम साइज़ के टमाटो ग्राइंड करके उसका प्यूरी भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून टमाटो केचप डाला है, ओरिगानो और चिली फ्लेक्स भी मिला ले। इसी टाइम पे सब कुछ मिक्स करके थोड़ा सा हम भून लेंगे। टमाटोस डाला तो नमक भी मैंने डाल दिया था और उसी मसाले में हम पास्ता डालकर मिला लेंगे। 2 मिनट हम इसे ऐसे ही भूनेंगे मसाले के साथ। उसके बाद 1/2 कप पानी या फिर 1/2 कप पास्ता का जो स्टॉक जिसमें जिस पानी में हमने पास्ता को बॉईल किया था वो डाल देंगे। थोड़ा से ऐसे पानी पानी जैसा होगा तो हमारा पास्ता रेडी। ऊपर से थोड़ा सा मायोनीज डालकर सर्व कर लीजिए। बेटा सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेता है और क्योंकि सैटरडे का डे है और इस दिन मैं थोड़ा बहुत अपना एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, जैसे गरम मसाला बनाना या फिर घी बनाना। मैंने आपको दिखाया था ओ सल्टेड करके मिलता है इधर, जो कि अनसल्टेड बटर है, उसी से मैं घी बनाती हूँ। और इस घी का स्मेल बहुत अच्छा आता है। हम नॉर्मली उड़ीसा में जो घी बनाते हैं वो होममेड बटर से बनाते हैं, यानी जो मिल्क का क्रीम होता है उसको रख के फिर उसमें से बनाते हैं घी। पर यहाँ मिल्क में क्रीम तो नहीं होता तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा बटर ले आती हूँ और उससे थोड़ा थोड़ा घी बनाकर बस खाने के लिए उसे यूज करती हूँ, और एल्स यहाँ पर घी डब्बों में अच्छे से मिल जाता है। कुछ देर ऐसे ही बॉईल करने के बाद मीडियम टू लो हीट में क्लियर हो जाएगा बटर, और आप चाहे तो इसी टाइम पर निकाल सकते हैं, कुछ गोल्डन कलर आ जाए तो कुक हो जाता है बटर। इसे क्लेरिफाइड बटर या फिर घी बोला जाता है। इस स्टेज पे आप निकाल कर ठंडा करके इसे छान लें।
पर जो उड़ीसा में हम लोग खाते हैं वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है और उसका टेस्ट स्मेल अलग सा आता है। देखिए थोड़ा और अगर आप बिठा दें तो इस तरह का लाइट ब्राउन, लाइट गोल्डन इस तरह का हो जाता है। अब मैंने इसे निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया। जैसे ही ठंडा हो जाएगा तुरंत इसे निकाल कर हम डब्बे में भर लेंगे। कपड़े से छान सकते हैं या फिर किसी भी मेटल छन्नी से। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं कुकिंग कर लूंगी। आज सिंपल सा राइस और दाल ही बनाया है और इस वाले छोटे से डब्बे में मैं भर के रख लेती हूँ घी। पूजा पाठ के लिए अलग रखती हूँ और खाने के लिए अलग। तो देखिए कुछ इतना घी बना है। 250 ग्राम का एक बटर लिया था मैंने, तो इतना सा ही बना है। थोड़ा थोड़ा करके उसे ख़त्म करके फिर नेक्स्ट बनाएंगे तो घी का स्मेल बना रहता है। और यहाँ मैं सिंपल बॉइल्ड राइस और थोड़ा सा पालक डालकर दाल बनाया है और आलू गोभी की सब्जी बनाई है। बस सिंपल सा एक लंच हो गया हमारा। इसके साथ कर्ड या फिर कुछ और भजा बना लेंगे, यानी तवा में कुछ सब्जी फ्राई करके हम उसके साथ ले लेंगे। मौसम एकदम बारिश वाला हो रहा था तो बस दुबक के एक जगह बैठने का मन करता था, पर मुझे अभी जो कलर चेंजिंग हो रहा है वो सब देखना बहुत अच्छा लग रहा है। सारे के सारे पेड़ पौधे अपने लीव्स झाड़ रहे हैं, कलरफुल हो रहे हैं। और यहाँ देखिए मैंने बताया था कि टर्मरिक से मैं इसे ट्रीट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसका ट्रीटमेंट तो हो गया पर पता नहीं क्यों जितने भी लीफ हैं वो ऐसे ब्राउन ब्राउन से हो रहे हैं और झड़ जाते हैं। मे बी ठंड में ऐसा होता होगा, पर न्यू न्यू लीफ भी आ रहे हैं। वैसे तो इस साल मैंने और कुछ लगाया नहीं, पर ये देखिए कैप्सिकम का सीड मैंने डाला था तो एक पौधा कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। बाहर तो बिल्कुल नहीं चलेंगे, सारे पत्ते ठंड से झड़ जाते हैं पर अंदर थोड़े थोड़े से रहते हैं। पर नेक्स्ट ईयर फ्लावर लगाएंगे। इस साल जो भी हर्ब है उसको केयर करें। और कपड़े 2 दिन तक भी नहीं सूखते, अगर जीन्स वींस है तो 2 दिन लगते हैं सूखने के लिए। और आने वाली ठंड के लिए मैं यहाँ पर एक शॉल बना रही हूँ। इसे मैंने कैसे बनाया वो क्रोचेट ट्यूटोरियल मैं अपने दूसरे चैनल पे, जो हार्टी कर्नर से, वहाँ मैं शेयर करूँगी। अभी तो बना रही हूँ। देखिए कैसा है डिजाइन, डिजाइन आपको पसंद आया कि नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर यहाँ स्वीडन के बारे में कुछ आपको पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। जितना भी मेरा नॉलेज है या फिर हस्बैंड से पूछ के, बड़ों से पूछ के मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। अभी 7 बजने वाले हैं और बाहर मौसम देखिए, स्ट्रीट लाइट्स भी जल चुके हैं। अभी जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। तो ये सब करते करते कब 7 बज गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं अगर कुछ बुनाई या फिर कढ़ाई में लग जाती हूँ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। यहाँ मैंने माइक्रोवेव में थोड़े से बादाम या फिर पीनट्स भून लिया था। मैं इसे छिलके निकाल के रख देती हूँ ताकि राइस में या फिर कहीं और डालने के लिए मुझे काम आ जाता है। और डिनर के लिए मैंने आलू कैप्सिकम बनाया था, इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। सो सिंपल सा डिनर था हमारा, रोटी और करी का। अगर आपको मेरे वीडियोस देखना पसंद है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हार्टी लाइफ ब्लॉग्स। बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड हैव ए वंडरफुल लाइफ।